करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं होगी, ये सभी वही सख्त है। हमारे की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बिलासपुर के अंदर पहली बार जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और फुटबॉल का आज जो है फाइनल मैच है और मुख्य अतिथि जो है आपको बता दें बिलासपुर के ग्राउंड में पहुंचे हैं खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए, खिलाड़ियों के साथ रूबरू होने के लिए लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जैसे हम चाहेंगे इस खबर को शेयर जरूर करें। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स आपको बता दें कि बिलासपुर के मेन ग्राउंड जो स्कूल ग्राउंड है वहाँ पर दो दिवसीय जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था ईगल फुटबॉल क्लब की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट्स विशेष स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिलाड़ियों का मान सम्मान और हौसला बढ़ाते हुए लगातार मैदान के अंदर है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोनों टीमें बिलासपुर हम मतलब कहते रहो हो सकता है आपका गोल जाना हो तो मतलब नहीं आना हो। देखिए सबसे पहले तो ये मेरे यहाँ पहुँचने पर जो मैंने देखा है कितनी अच्छा खेल और कितना शांतिप्रिय है उससे ही मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी ऑलरेडी पहले ही एक बहुत स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और अपने प्रदेश का अपने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जो भाई ये नीटू है जितने भी इनके सहयोगी हैं मैं इनका इतने तहे दिल से वो करता हूँ, बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसे खेल अगर कराते रहें तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और खेल करना हर इंसान के लिए एक युवा के लिए बहुत कंपलसरी चीज़ है, वो सब कर रहे हैं। और भाई मैं नीटू जी का बहुत ही बड़ा एक कोत्सा मैं अपने मतलब उपकार जी, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही कोई भी गेम है वो ऐसे ही डेवलप होती है, जैसे इन्होंने एक छोटे लेवल से शुरू किया फिर इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया, बहुत अच्छी बात है बिलासपुर कस्बे के लिए। तो आपको खुशी होती है कि जिस तरीके नशे से दूर रहकर बच्चे खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है? ऐसा खुशी तो हर इंसान को होगी, हर माँ बाप को होगी, हर कोच को होगी, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप है अपनी बॉडी के लिए खेल एक फर्स्ट स्टेप है नशे से दूर रखने का, इसके अलावा कोई सा स्टेप नहीं होता। खेल में बच्चे की रुचि होगी उसको अपने शरीर से प्यार हो जाएगा और जिसको अपने शरीर से प्यार है वो नशा करेगा ही। बिलासपुर से समाजसेवी पंकज खुराना जी हैं। सर आज जो युवाओं को फुटबॉल की तरफ से आज टीम जीती है और किस तरीके शुभकामना देना चाहेंगे और आने वाले दिनों में युवाओं को किस तरीके से खेलों के साथ जोड़े रखने के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बिलासपुर टीम को और आयोजक हैं जो नीटू गुज्जर जी और उपकार जी इनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। दो दिन बिलासपुर का ग्राउंड एक उत्सव की तरह रहा, मैं कल भी आया था आज भी आया। फुटबॉल में ज़्यादा फुटबॉल के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है क्योंकि मैं फुटबॉल नहीं खेला, वैसे ग्राउंड से 20 साल से जुड़े हैं, सभी गेम में खेली हैं, पर बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा, देखने में भी लोगों का आनंद आया। और उपकार जी की मेहनत जो लगातार इतने वर्षों से मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लगे रहते हैं, उनकी मेहनत इतनी सफल हुई है कि आज बिलासपुर की टीम फाइनल खेल रही है 16 टीमों में। चलो वो दूसरे नंबर पर आए हैं, कोई बात नहीं, हार जीत कोई मायने नहीं रखती। वो बिलासपुर की टीम और विशेषकर उपकार जी और नीटू गुज्जर जी और जो भी उनके साथ बिलासपुर की मतलब मोजीज लोग कैपिटल टेंट हाउस है या अनिल राणा जी हैं जो भी है, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं और जो भी संस्थाएं जो भी सहयोगी उन सब का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे सुविधा नहीं है बच्चों के लिए? ग्राउंड तो हमारा ये काफ़ी अच्छा है, इसको सुधारने की जरूरत है, इसको हम मिलजुल कर सभी बिलासपुर के लोग सुधारेंगे और जो भी हमारे यहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हम कुछ ना कुछ लेकर आएंगे 100%। धन्यवाद। बिलासपुर से जितेंद्र कांद्रा जी हैं। पाजी कैसे देखते हो आप आज बच्चे जो हैं पहली बार बिलासपुर के अंदर एक फुटबॉल मैच किया गया है और सेकंड में पहुंची है हमारी बिलासपुर टीम, आगे हम अगर बच्चों को तराशेंगे और नशों से दूर रखेंगे तो किस तरीके से प्रोत्साहन करना चाहेंगे? देखिए इससे अच्छा जरिया कोई नहीं हो सकता कि जो भी बच्चे हैं ग्राउंड से जुड़ेंगे, ग्राउंड से जुड़ेंगे तो ये नशों से नेचुरली दूर रहेंगे। उसके बाद ये जो सारा प्रयास किया नीटू जी ने, उपकार सिंह जी ने, जो सारा ग्राउंड को एक बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन किया इन्होंने, बच्चों को मोटिवेशन मिला। उसके बाद सबसे बढ़िया बात ये कि 16 टीमें जो आई हैं देहरादून से, नाहन से, मतलब एक लेवल जो अपना गेम का उभर गया है वो सबसे एक लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए जो बना है, ये माहौल आगे और बढ़े, इसको हम नीटू जी को जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़े हम सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मेन जो है नीटू गुज्जर, सुशील गुज्जर जी इनका नाम है, इन्होंने बिलासपुर में पहली बार जो है फुटबॉल को बढ़ावा देते हुए फुटबॉल टीम तैयार की है। इनके साथ सरदार जी हैं उपकार सिंह जी, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, शायद नीचे चीफ गेस्ट को छोड़ने गए हैं। तो सुशील गुज्जर जी हमारे साथ है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है बिलासपुर में बच्चों को ट्रेन करने में और सरदार में, साथ में सरदार जी हैं उपकार सिंह जी
की ईगल फुटबॉल क्लब जिन्होंने बनाया, और पहली बार आसपास के क्षेत्र में नहीं बल्कि बिलासपुर में जो है इन्होंने एक फुटबॉल की टीम तैयार की है, और आज फुटबॉल का दो दिवसीय मैच जो है समाप्त हुआ है। उपकार सिंह जी, कैसी खुशी हो रही है? सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो टूर्नामेंट हुआ है, हमारे नीटू भाई साहब, पंकज जी, प्रवेश भाई साहब, जितेंद्र कांतर, इनका बहुत, सिंगला जी भाई साहब जी हमारे हैं, बहुत शिरू जगदीश जी अपने हैं, जगिंदर बगला था उसके, इनकी बहुत सपोर्ट की वजह से और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मतलब कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, मुझे आंसू निकालने के लिए हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सबका, आपको बच्चों को ट्रेन करते हुए मुसीबतें भी आती हैं क्योंकि ग्राउंड नहीं है प्रॉपर, लाइट की व्यवस्था नहीं है, घास नहीं है प्रॉपर खेलने के लिए, तो प्रशासन से क्या मांग चाहेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपको सुविधाएं दी जाएं? सर, मैं काफ़ी साल से यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों को, अच्छे टूर्नामेंट खेल के आते हैं बच्चे, अभी भी पौंटा और नाहन हमारे नीटू भाई साहब लेके गए थे, जो मैं थोड़ा मिस हुआ था यहाँ से, पर मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड में ग्रास वगैरह फैसिलिटीज़ हो, ब्रेकेटिंग हो, जो ग्राउंड में व्हीकल्स वगैरह जाते हैं वो बंद हों, तो यहाँ थोड़ी सी दूसरे तत्व भी बैठते हैं जो नशा करते हैं, थोड़ा मैं उससे बहुत परेशान हूँ ज़्यादा, पर मैं प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहूँगा कि ग्राउंड में एक फैसिलिटी दी जाए लाइटिंग की, और यहाँ बैरिकेटिंग की फैसिलिटी दी जाए, और जो स्पोर्ट्स का जो हमारा सामान है वो प्रोवाइड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इनके सहयोगी सुशील गुज्जर जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सुशील जी, कैसा लग रहा है, पहली बार बिलासपुर में आपने एक फुटबॉल की टीम तैयार की और वो सेकंड भी आई है, तो कितनी खुशी है और क्या कुछ आगे चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए और क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहें? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो अपने बिलासपुर वासियों का और सभी लोगों का, पंकज भाई जी, जगदीश जगदम्बा क्लॉथ हाउस से जी, डॉक्टर सिंगला जी, न्यू कैपिटल टेंट हाउस, जितेंद्र जी, हमारे अनिल जी, अनिल राणा जी टीवीएस से, और हमारे जितने भी जिन्होंने हमें सहायता करी और ये मैच करवाने में स्पॉन्सरशिप करी, मैंने जिनको भी कहा उन्होंने खुले दिल से मेरा साथ दिया, और ये ऑर्गेनाइज आज जो मैच हुआ है इसमें बिलासपुर वासियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं सभी अपने बिलासपुर वासियों का, अपने दोस्तों का, अपने टीम का, अपनी सीनियर टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि हमें इस ग्राउंड में लाइट, सबसे पहले बैरिकेडिंग्स और जो गाड़ियां आती हैं जाती हैं उन पे थोड़ा सा रोक लग जाए, जिससे कि बच्चों के खेलने का ग्राउंड जो है वो सुरक्षित रहे, तो ये चाहता हूँ। टीम को लेकर जाएंगे जी? बिल्कुल जी, अगर सुविधाएं मिलती रही तो हम टीम को आगे भी लेकर जाते रहेंगे, बिल्कुल लेकर जाएंगे जी। हमें एक कोच जो हमारे उपकार सिंह जी हैं वो बहुत हमें मदद करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, अपना पूरा टाइम निकालते हैं ग्राउंड में, सुबह शाम दोनों टाइम ये पूरा टाइम निकालते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अकेला मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया तो ये नहीं हो सकता जी, इनके बिना कुछ नहीं है जी, हम अधूरे हैं जी एक दूसरे के बिना। आपने इस तरीके से टूर्नामेंट कराया तो आगे भी करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी, भगवान ने सुख रखा और इन बिलासपुर वासियों का सहयोग रहा, हमारे साथियों का सहयोग रहा, तो इससे भी अच्छा टूर्नामेंट आगे कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है यूरो स्टेप जोन के संस्थापक और उनकी टीम पूरी मौजूद है। सर, आपने किस तरीके से इस बच्चों को प्रोत्साहन के लिए किस तरीके से सहयोग दिया? हमने प्रशांत नीटू गुजर जी और ये उपकार जी हमारे पास आए थे कोई दो वीक पहले कि हमें टूर्नामेंट में ये टूर्नामेंट करवाना है, तो आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो? तो हमने इनको ये कहा था कि जो भी आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए हम करेंगे, क्योंकि बिलासपुर में ये टूर्नामेंट सफल ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। तो आगे भी युवाओं को और बच्चों को कोई आगे बढ़ने का अगर मौका मिलता है तो आप लोग सहयोग करेंगे, आपकी पूरी टीम? बिल्कुल, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, और कोई भी अगर यहाँ टूर्नामेंट या कोई भी खेल के प्रति हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो हम जरूर देंगे अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ DXN कंपनी से जुड़े हुए डॉक्टर कुलदीप जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पर कॉफ़ी और चाय की बहुत सेवा दी है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बधाई किस तरीके से देना चाहेंगे इस टीम को? पहले तो मैं नीटू सुशील गुज्जर जी का और उपकार जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे इस लायक समझाने ने, और मुझे अपना यहाँ पर DXN की कंपनी तरफ से जो मौका मिला स्टाल लगाने का, लेमन टी और कॉफ़ी को प्रमोट करने का, बहुत इन्हें अच्छा सहयोग भी दिया, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी हम स्पॉन्सर करें इस टूर्नामेंट को, और लोगों को मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग जानकारी देना चाहूँगा कि नशे से जितना दूर बच सके बचें, और ग्राउंड बहुत हमारे जुड़ा हुआ है इस शरीर से,
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीटू गुज्जर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये आपने लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी बिलासपुर के ग्राउंड से, और आपको मैंने सभी शख्सियतों का इंटरव्यू करवाया और लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखाई, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल जल्द ही जो दोबारा से ऐसे टूर्नामेंट होंगे और हम भी उनको लाइव कवरेज करके दिखाएंगे। ऐसी और भी अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए HR71। जय हिंद, हर मैदान फतेह।